नरसिंहपुर जिले के ग्राम धोखेड़ा में सड़क दुर्घटना का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण 3 मासूम बच्चे असमय ही काल के गाल में समा गए। वहीं अन्य 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं SDM द्वारा प्रत्येक बच्चे के परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे का सिलसिला थामने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला तेंदुखेड़ा विधानसभा के ग्राम धोखेड़ा का है, जहां ट्रैक्टर रिवर्स करने से मिट्टी की दीवार गिर गई, जिसके कारण वहां खेल रहे 5 बच्चे दीवार के मलबे में दब गए। इस भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाडरवारा SDM द्वारा प्रत्येक बच्चे के परिजनों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वहीं मौके पर पहुंची गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में जो कुछ लोग थे जो यहाँ सोनू पटेल कहाँ काम करती थी, वो ट्रैक्टर लेके आए थे, वहीं पे रोड के किनारे बच्चे खेल रहे थे। वो ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर रिवर्स किया और वो दीवार में लगा और बच्चों की मौत। कितने लोग? 5 बच्चे, 3 की मौत हो गई। 5 बच्चे, 1 बच गया था, 1 घायल है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है, जिसमें 1 परेशान धानक हमारा भाई। एक बच्चे को वहाँ नरसिंहपुर रेफर किया गया था, रात में होगी एक्सपायर। एक बच्चा यहाँ गाड़रवारा में रेफर किया गया था, तो उसका इलाज कर रहा है। तो इस हिसाब से टोटल 3 बच्चे मृत हो गए हैं, सभी की उम्र 10 से 12 साल। तो अभी उनका PM हो गया है, 2 का यहाँ हुआ और 1 का हुआ नरसिंहपुर। तो कलेक्टर साहब ने बुलाया मैं, कल 5:30 बजे की घटना है ग्राम धोखेड़ा में। कुछ बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि सोने वो पास के बाउंड्री वॉल के पास ही, और उनका पटियाला जो है ट्रैक्टर लेके अंदर गया और रिवर्स कर रहा था, उसी समय जो है दीवार में धक्का लगी और दीवार के बच्चों को ऊपर गिर गए, जिससे 4 बच्चे दब गए थे और 2 बच्चों के स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। बहरहाल इंदौर में 2 दिन पहले ही हंस ट्रेवल्स के ड्राइवर ने रिवर्स लेते हुए एक युवक को कुचल दिया था। वहीं अब नरसिंहपुर जिले में ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक साथ 3 घरों के दीपक को बुझा दिया है। फिलहाल देखना होगा कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है। गाडरवारा से पवन कौरव की रिपोर्ट।